टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अल्ट्रोस का स्पोर्टी वर्जन अल्ट्रोस रेसर रिवील की है, जिसकी प्राइस के सिवा सारी चीजें ऑफिशियली रिवील हो गई हैं। एंड इस कार का तो अभी एक ही डायरेक्ट कंपटीशन है, Hyundai i20 N9। तो क्या Hyundai i20 N9 बेटर है या फिर टाटा अल्ट्रोस रेसर? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। अल्ट्रोस रेसर की लेंथ 3990 मिलीमीटर है, जहां पे i20 N9 की लेंथ 3995 मिलीमीटर है। अल्ट्रोस रेसर की विड्थ 1755 मिलीमीटर है, जहां पे i20 N9 की विड्थ 1775 मिलीमीटर है। अल्ट्रोस रेसर की हाइट 1523 मिलीमीटर है, जहां पे i20 N9 की हाइट 1505 मिलीमीटर है। अल्ट्रोस रेसर में आपको 2501 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे i20 N9 में आपको 2580 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। अल्ट्रोस रेसर में आपको 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे i20 N लाइन में आपको 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अल्ट्रोस रेसर में आपको 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे i20 N लाइन में आपको 311 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सो दोनों कार्स की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, बट विड्थ एंड व्हील बेस में i20 N लाइन बड़ी है, जिसके कारण रियर सीट में i20 N लाइन में थोड़ा बेटर स्पेस मिलेगा अल्ट्रोस रेसर के कंपेयर में, बट बूट स्पेस वाइज अल्ट्रोस रेसर में ज्यादा सामान आप रख पाओगे। अब बात करते हैं इंजन की। तो अल्ट्रोस रेसर में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp का पावर एंड 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जहां पे i20 N लाइन में आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp का पावर एंड 172 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इंजन वाइज दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम पावर एंड टॉर्क मिलता है, बट जैसे कि i20 N लाइन का वेट अल्ट्रोस रेसर से कम है, पावर टू वेट रेशियो वाइज i20 N लाइन थोड़ी ज्यादा पावरफुल फील होगी, बट i20 N लाइन ओनली DCT ऑटोमेटिक या फिर क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिलती है, जहां पे अल्ट्रोस रेसर मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिलती है। एंड जैसे कि दोनों कार्स एंथुसियास्ट ओरिएंटेड कार्स हैं, ऐसे लोगों में मैनुअल ट्रांसमिशन ज्यादा प्रेफरेबल होगा, बट हाँ, शायद टाटा मोटर्स अल्ट्रोस रेसर के लॉन्च में DCT ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दे, बट अभी तो ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन ही फाइनल है। एंड i20 N लाइन में ट्यून सस्पेंशन एंड एग्जॉस्ट मिलता है, जो अल्ट्रोस रेसर में नहीं मिलता, बट अल्ट्रोस ऑलरेडी वेल स्टेबल एंड अच्छी हैंडलिंग वाली कार है, सो आई डोंट थिंक टाटा मोटर्स अल्ट्रोस रेसर में सस्पेंशन ट्यून करेंगे। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो दोनों कार्स के एक्सटीरियर डिजाइन तो टोटल डिफरेंट है, एंड यह आपके पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि आपको दोनों में से कौन सी कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRL, 7 फील एंटीना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, रियर स्पॉयलर एंड 16 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट i20 N लाइन में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जहां पे अल्ट्रोस रेसर में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। एंड i20 N लाइन में आपको LED टेल लाइट्स भी दी गई है, जहां पे अल्ट्रोस रेसर में आपको हैलोजन टेल लाइट्स दी गई हैं। बट हाँ, अल्ट्रोस रेसर में आपको ब्लैक बोनेट एंड रूफ पे व्हाइट स्ट्रिप दी गई है, जो अल्ट्रोस रेसर को बाकी सब कार से डिफरेंट लुक देता है, जहां पे i20 N लाइन में डिफरेंट प्लेसेस पर रेड ट्रीटमेंट दी गई है। इसके सिवा दोनों कार्स के एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। दोनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरिफायर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, लेदर अपहोल्स्टरी, ड्राइवर आर्म रेस्ट एंड रियर आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट अल्ट्रोस रेसर में आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, जो आपको i20 N लाइन में नहीं मिलता। एंड i20 N लाइन में आपको ऑटो डिमिंग ORVM दिया गया है, जहां पे अल्ट्रोस रेसर में आपको मैनुअल डिमिंग ORVM मिलता है। इसके सिवा दोनों के इंटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो वैसे तो दोनों में सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं, बट अल्ट्रोस में वेंटिलेटेड सीट्स का बड़ा एडवांटेज है, जो इंडियन वेदर के हिसाब से ज्यादा यूजफुल फीचर है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, अल्ट्रोस ने ग्लोबल एनकैप में 5 out of 5 स्टार्स लाए हैं, एंड अल्ट्रोस रेसर भी टेक्निकली सेम प्लेटफॉर्म एंड बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आती है। सो अल्ट्रोस रेसर एक सेफ कार होगी, वो तो श्योर है, बट i20 को ग्लोबल एनकैप में 3 stars मिले हैं, सो सेफ्टी वाइज क्लियरली अल्ट्रोस रेसर बेटर रहेगी। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में आपको 6 airbags, ABS, EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट हाँ, i20 N लाइन में आपको 4 wheel पर डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, जहाँ पे अल्ट्रोस रेसर में ओनली फ्रंट व्हील्स में ही डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं। तो चलिए अब आता है कंक्लूजन पे, आपको i20 N लाइन लेनी चाहिए या फिर अल्ट्रोस रेसर? सो वैसे तो दोनों कार्स में आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स एंड सेम इंजन पावर मिलता है, बट अल्ट्रोस रेसर में आपको i20 N लाइन से ज्यादा बेटर सेफ्टी मिलती है। सो इन दोनों कार्स के बीच तो हमारा रिकमेंडेशन अल्ट्रोस रेसर ही रहेगा।
एंड इस वीडियो को बनाते वक्त अर्टुरस रेसर की ऑफिशियल प्राइसेस अनाउंस नहीं हुई, बट एज पर मेनी रिपोर्ट्स अर्टुरस रेसर की प्राइस i20 N लाइन से कम रखी जाएगी। सो अगर दोनों कार्स की प्राइसिंग सेम रखी गई या फिर अर्टुरस रेसर i20 N लाइन से भी अफोर्डेबल हुई, तो क्लियरली ज्यादातर लोगों के लिए अर्टुरस रेसर बेटर रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन टाटा अर्टुरस रेसर एंड ह्युंडई i20 N लाइन के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार चूज करोगे, i20 N लाइन या फिर अर्टुरस रेसर? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।